मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखो सुबह से तुम लोगों को कुछ दिखाए नहीं, अभी फटाफट घर में सारा काम मोटा मोटी सलटा के आ गया। मायादी आ गए तो इसीलिए मैं निकल पाई। मायादी का नाश्ता दे के आ गया, दादा का नाश्ता रेडी करके आए, एक बॉयल करके आए, भगवान का बर्तन फर्तन सब धो दिया। और सुबह उठ के मैं अपना हेल्थ ड्रिंक पी हूँ और थोड़ा चाय पी ली है, आज दूध चाय पी है। और अभी जा रहे हैं, कल भी सेलिब्रेशन किए थे, प्री सेलिब्रेशन मेरा बेटी का बर्थडे का, आज जा रहे हैं, अभी बेटी के घर ही जा रहे हैं। और आज सुबह का जो ब्रेकफास्ट होगा वो मेरे तरफ से होगा, और मेरा थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसके घर, उधर से फिर हम लोग जाएंगे। शेयर मार्केट बोल के कोई जगह है, हमको पता नहीं, वो मेरे जमाई बोले हैं, तो उधर चलते हैं हम लोग। उधर जाके थोड़ा हम क्लिप शेयर करेंगे। हम जब बेटी के घर पहुंचे तब तक बहुत लेट हो गया था, 11:15 बज गया था। तो ये लोग देखो सब मंगा हुआ खाना खा रहे हैं, अभी नाश्ता कर लिया हम लोग। क्लास में आ गया, क्लास में घुस गया, दिन में 2 बजे घर आए और आके देखा। हम कुछ कुछ करके गए थे, जैसे भगवान के बर्तन माँज के, चाय बना के, नाश्ता बना के और डीम बॉयल करके ये सब गए। तो आके देखे दादा फिश फ्राई कर लिया, चावल कर दिया, मतलब भात कुड़े नहीं छिलो, डीम सिद्ध आलू सिद्ध दिए खूब सुंदर मेखे छिलो। तो ऐसे लेट हो गया, हमें यहाँ देखा ही नहीं। तारपरे उस पर घर में सारा काम करके चलो बाय। हम सो गए थे, अभी उठ के फटाफट अभी क्लास में आ रहे। ये देखो लिफ्ट में घुस गया, क्लास जा रहे। देखो क्लास स्टार्ट कर दिया, तीनों बच्चे को लेके। ये है मेरा चिनार पार्क के सामने, राजारहाट के तरफ ही है। और आज हम सिखा रहे हैं, सामने दुर्गा पूजा आ रहे हैं ना, तो हम इन लोगों को सिखा रहे हैं वो वाला गाना, ऐ गिरी नंदिनी, वो गाना हम सिखा रहे हैं। कि वैसे हम बोले कि आज पूजा आ रहा है तो तुम लोग दुर्गा पूजा के ऊपर, दुर्गा माता के ऊपर गाना सीखो। तो ये लोग देखो बहुत अच्छे से कह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 5-6 साल की, 8 साल की है, तो वो कर रहे हैं, ऐ गिरी नंदिनी नंदि तुम दिनी विश्व विनाशिनी ना 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 ला 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 ला। तो ये गाना आज हम सिखाए, और ये सिखाने के बाद फिर हम घर आए। घर आने के बाद हम देखे कि दादा रोटी और तड़का लेके आए थे, रोटी तड़का से हम आज खाना कंप्लीट कर लिए हैं। अच्छा, ये वाला वीडियो देखना है बच्चा लोग वाला, ऐ गिरी नंदिनी, तो यूट्यूब में ज़रूर, मेरा यूट्यूब पे ज़रूर विज़िट करना, घर कोना राय में, तो मैं दिखा दूँगी उसमें। और इधर देखो हम जब तालीम दे रहे थे, इन लोगों को सिखा रहे थे, तो मैं ऐसे सिखा रहे थे इन लोगों को, तो जो बोल रही थी मैं, घर आके हम खाना फाना खा के थोड़ा बाल पे तेल लगा लिया। बहुत सर दुख रहा है क्योंकि कल रात को 1:30 बजे सोया, सुबह 8 बजे उठ गया था, बेटी के घर जाना था, हर बार कर रहे थे। तो चलो अभी खाना फाना खाना हो गया, दादा का भी खाना खाना हो गया, दादा बाहर बैठ के कोई इंग्लिश मूवी देख रहे हैं, हम तो रूम में आ गया। अब हम सोने जाएंगे, सोने के पहले मैं थोड़ा मेडिटेशन कर लेती हूँ। तो मेडिटेशन के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसका बहुत गुड रिज़ल्ट मैं बताती हूँ। बट उसके पहले आज मेरा बेटी का जन्मदिन था, कल से प्री सेलिब्रेशन चालू हो गया था, और आज एट लास्ट मतलब वो दिन आ गया। तो मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, मेरा बहुत शुभकामना, मेरा ढेर सारा प्यार, आप लोग भी इसको प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि इसका जीवन सुखी हो और खूब तरक्की करे। देखो मेरा आँख एकदम ना मतलब पूरा लग रहा है कि नींद से, नींद में भरा हुआ है आँख, और बालों पे तेल लगाया, कल शैम्पू करेंगे। पर जो बात बोलने के लिए मैं आ गई, मैं वही बोल रही थी कि आप लोगों को अगर कुछ चीज़ को बदलना है, ये एकदम 100% रिजल्ट हमको मिला है बोल के हम आप लोगों को बोल रहे हैं। अगर बच्चों में कुछ चेंज लाना है, घर में कुछ चेंज लाना है, अपने हस्बैंड में कुछ चेंज लाना है, अपने वर्क प्लेस पे कुछ चेंज लाना है, तो आप लोग रात को सोते टाइम और जब सुबह उठेंगे वो चीज़ को होगा नहीं बोलिएगा, हो जाए, हो गया ऐसे बोलिएगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल कि आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, या आपके बच्चे आपका बाप नहीं मानते हैं,
आप ऐसे ही बोलो रात को सोते टाइम कि जो भी भगवान को आप मानते हैं कि मेरे बच्चे मेरे बात बहुत मानते हैं और मेरे बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं, मेरे बच्चे पढ़ाई में अच्छा है। ऐसे मत बोलिए कि मेरे बच्चे पढ़ाई में अच्छा नहीं है, इसको अच्छा कर दीजिए, ये मत बोलिए। जो सिद्ध करना है उसको बोलिए, उसको देखिए और बार बार वही एनर्जी उसको भेजते जाइए। तो ये एनर्जी इधर से भेज के ना उसके पास चला जाता है और 15 दिन 20 दिन एक महीना बाद देखिए रिजल्ट जरूर होता है। मैं खुद इसका फल पाई हूँ। तो रोज रात को ये बोल के सोएंगे और रोज सुबह उठ के वही सेम चीज बोल के उसके बाद आप बिस्तर से बाहर जाएंगे। देखिए चीज अगर बदल ना जाए, जो चीज आप चाह रहे वो नहीं हो जाए, वो देखिए इसको कहते हैं पावर, अपना थॉट पावर। और ये जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप दुआ दे रहे हैं, बुरा काम मत कीजिए। जो आप दुआ दे रहे हैं दूसरे को, आप किसी ने बीमार है तो आप रोज उसके लिए भी दुआ दे सकते हैं रात को सोते टाइम कि ये एकदम ठीक है, ये एकदम परफेक्ट है। अपने बॉडी के लिए दुआ दीजिए कि मैं एकदम मतलब एकदम परफेक्ट हूँ, मेरा शरीर एकदम परफेक्ट है, मेरे शरीर में कुछ अप डाउन होगा तो वो ठीक हो जाएगा पर मैं परफेक्ट हूँ। कोई अगर पूछे आपको कि आप कैसे हो तो कभी मत बोलिए अरे इधर दर्द है, उधर मेरा बहुत वो है, इधर तो इतना प्रॉब्लम है, उधर तो ये प्रेशर हाई है, मत बोलिएगा। सबको बोलिएगा मैं फिट एंड फाइन हूँ, बहुत अच्छा हूँ मैं। देखिए एक महीना दो महीना ऐसे बोल के देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा और आप एकदम सच्ची में फिट रहेंगे। मैं देखिए मैं 50 ईयर्स की हूँ, मैं वो फॉलो करती हूँ, मैं ओनली 50 नहीं, मैं 51 ईयर्स की हूँ, मैं 52 हो जाऊँगी, बट मैं इसको फॉलो करती हूँ, मैं थोड़ा बीके शिवानी को फॉलो करती हूँ और वो चीज़ को मैं लास्ट 2 ईयर्स से फॉलो कर रही हूँ, तो मैं तो फिट एंड फाइन हूँ। मेरा तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ना मेरा प्रेशर का, ना मेरा शुगर का, ना मेरा कोलेस्ट्रॉल, ना मेरा कोई चीज़ का, किसी का मेरा कुछ दवाई नहीं चलता, मैं एक भी मेडिसिन नहीं खाती हूँ। मैं बहुत फिट एंड फाइन हूँ। मैं एकदम सुबह 6 बजे से रात को 2 बजे तक मैं लगातार खट सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है मेरा। मैं घर का बाहर का सब काम अकेले करती हूँ, मैं घर का खाना घर का संभालना सब करती हूँ, प्लस मैं एक इवेंट मैनेजर हूँ। तो सोचिए एक इवेंट मैनेजर का कितना प्रेशर रहता है, तो और उन लोगों के संग अपना क्लाइंट लोगों के संग कितना सॉफ्टली, कितना पेशेंसली बात करना पड़ता है। तो ये चीज़ देखिए, हम बहुत ज्ञान दे दिया बट ये चीज़ करके देखिए, किसी को कुछ बदलना है तो ये करके देखिए, बहुत मतलब बहुत अच्छा होगा, आपका जीवन सुधर जाएगा, आपका बच्चे का जीवन सुधर जाएगा, ये चीज़ करके देखिए। क्योंकि मेरा अच्छा फल मिला तो मैं चाहती हूँ मेरा जितना फ्रेंड है, मेरा फैमिली में जो लोग अभी ऐड हुए हुए हैं, मेरा वीडियो देखता है, इन लोगों का भी इतना उपकार मिलता है, मिलना चाहिए इन लोगों का भी। तो आप लोग करो, आप लोगों का जरूर अच्छा होगा। किसी का बुरा मत सोचो, किसी के लिए बुरा मत बोलो, जो भी करना है अपने अच्छे के लिए, सबके लिए अच्छा करो। तो भगवान तो हम लोग बाबा बोलते हैं ना, बाबा लोकनाथ बाबा बोलते हैं, किसी का पेरेंट्स कभी बच्चे को खराब चाहते हैं तो कभी भगवान कभी खराब नहीं चाहते हैं। अब अच्छा काम करो, अच्छा ही होगा। चलिए गुड नाइट, जय बाबा लोकनाथ।